बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब के ठीक ठाक हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का भी लोग करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं अभी खेतों में बैठा हुआ हूं और अपनी बकरियों को मैं चरा रहा हूं। अपने साथ में हमारा बकरा देखें, इधर मकाई में आ चुका है, और ये देखें इधर ये चारे चारा खा रहा है, और उधर मैंने अपनी सारी जो बकरी हैं तमाम वो इधर चारा खा रही हैं। ये जो खेत है ये हमने सारा उजाड़ दिया है। इसके अंदर जो चारा था जानवरों का ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने बकरियां छोड़ दी हैं ताकि ये यहाँ अपना चारा खा लें। तो जनाब इधर बकरियां लगी हुई हैं खाने के लिए। तो मैं जनाब ये आम का और तूत का साया है इधर, और इसके साये में मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो आराम से इधर बैठ कर आराम कर रहा हूँ जनाब। तो उधर जो बकरियाँ हैं वो अपना चारा वगैरह खा रही हैं, और खालिद भाई उधर आए हुए हैं सामने, आप लोग देख सकते हैं, और मैं इधर बैठकर ही व्लॉग बना रहा हूँ आज। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, क्या आप लोगों की तरफ भी इसी तरह गर्मी हो रही है या नहीं? लेकिन हमारी तरफ तो भाई जान काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आज भी सूरज के तकरीबन 45 से 45 डिग्री तक ये सूरज गया था, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर गया था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी आज भी। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है हमारी तरफ, और इधर जनाब खेतम वो सामने पता नहीं खालिद भाई चारा काटने के लिए आए हैं इधर, और अभी पता नहीं मकई काटेंगे या उधर कमाल से काटेंगे। इस बरसेम इधर हमारी कुछ बरसेम बड़ी है जिधर वो आ रहे हैं, तो इधर से बरसेम वगैरह काटेंगे। तो अभी इधर आ चुके हैं तो पता नहीं वो काटेंगे या नहीं, क्या करने वाले हैं, लेकिन वो उधर घूम घूम रहे हैं, देख रहे हैं जनाब काटे या ना काटे। पहले दोस्तों बकरियों ने चारा खा लिया है, तो अभी मैं इनको घर लेकर जा रहा हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं बकरियों का जो पेट है वो भर चुका है, इनके बच्चों का भी जो पेट है वो भर चुका है फिलहाल, और अभी इन बकरियों को मैं घर लेकर छोड़ कर आऊँगा। और दोस्तों मैं अपनी बकरियों को पानी वगैरह पिला रहा हूँ, ये मैंने पानी भी इधर पिलाया और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, तो इन्होंने बकरियों ने पानी वगैरह पी लिया। तो भैंसों को मैं अभी पानी पिला रहा हूँ, इनको पानी मैंने भी पिलाया, तो ये खड़ी हो चुकी हैं। दोस्तों ये हमारे गाय का बच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो इसके लिए भी मैंने एक बाल्टी पानी की भर के इसके सामने रख दी ताकि ये अच्छे तरीके से पानी पी ले। तो ये भी अभी पानी पीना शुरू हो गए हैं अच्छे तरीके से, और पानी पी लेंगे और पेट इनका भर जाएगा इसका, और अभी देखें बैठ कर ये पानी पी रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ना, तो आप लोग भी इसको देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैंने इसको पानी रखा, तो इसके बाद दोस्तों इस हमारे खोते को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक बाल्टी भर के पानी रखा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से इसने पानी काफ़ी ज़्यादा पिया, और इसने पानी पीने के बाद कुछ सुकून का सांस लिया, फिर भी बाल्टी में कुछ पानी रह चुका था जो कि ये पी नहीं रही थी। तो मैंने इर्द गिर्द जब कैमरा घुमाया तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी, और इस अमरूद के साए के नीचे हमने इसको बांधा हुआ था, ये अमरूद का दरख्त था साथ में दोस्तों, तो इसके साथ हमने बांधा हुआ है इस खोती को, और अभी भी पानी पी रही है और उसको प्यास का